हेलो भाटिया फिल्म इंटरनेशनल। हाँ ना क्या भाटिया साहब थे क्या? ना भाटिया साहब कब आएंगे? पता नहीं। किसे पता होगा? पता नहीं। घर पे फोन करो तो बोले बाथरूम में है, ऑफिस में आओ तो बोलते पता नहीं। आने वाले हैं या नहीं? पता नहीं। तुम्हें कुछ पता भी है? पता नहीं। क्या अजीब चक्कर है यार, फिल्म के डायलॉग ही खोलिए और पैसे देने का नाम नहीं है। तुम्हारी ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते मेरे माथे की लकीरें घिस गई। ये सोफे के खटमल भी मेरा दर्द समझते हैं। इन चार दीवारों को मुझे देख देख के पसीना आ गया, मगर तुम्हारे भाटिया साहब उनका दिल नहीं पिघला, वो मेरा दर्द नहीं समझते। कब मिलेगा पेमेंट मुझे? अब नेक्स्ट वीक आ जाइए। लो फिर नेक्स्ट वीक। हेलो। हाँ हाँ मिल जाएगा। अरे हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या? मालूम है खाने का पैसा? हाँ कल ले जाना। अरे वाह, उनको कल बुलाया और मुझे नेक्स्ट वीक? उनका खून खून और हमारा खून पानी है क्या? आपको भी कल बुला लेते, कल आ जाइए। अच्छा बुलाने में क्या हर्ज है, ना पैसा उसको मिलेगा ना आपको। क्या ऑफिस 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 ऑफिस, कहीं खुशामद कहीं सिफारिश कहीं मामला डिसमिस। ऑफिस 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 ऑफिस, क्या है साहब इधर आइए। वो तो कहते उधर जाइए। फुर्सत आज नहीं कल आना। कब तक यूं ही धक्के खाना? करते रहिए कोशिश। कहीं खुशामद कहीं सिफारिश कहीं मामला डिसमिस। ऑफिस 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 ऑफिस, टेलीफोन का बिल आया है। टेलीफोन जो लगवाया है? अरे बिना लगे ही बिल आया है। हाँ, एडवांस में भिजवाया है। ये है कैसी साजिश, कहीं खुशामद कहीं सिफारिश कहीं मामला डिसमिस। ऑफिस 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 ऑफिस, भैया फाइल तो आगे कर दो। पहले फाइल पर वजन तो धर दो। अरे नकद नारायण चढ़ा चुका हूँ लेकिन मैं अब तक भूखा हूँ। अरे अब क्या है तेरी ख्वाहिश? कहीं खुशामद कहीं सिफारिश कहीं मामला डिसमिस। ऑफिस 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 ऑफिस। हेलो पांडे जी, मैं पाटिया बोल रहा हूँ। अरे भाटिया नहीं है। ओए बिन माँ के बच्चे, मैं पाटिया बोल रहा हूँ। पाटिया अंदर से। अंदर से? हाँ जी। वो साला कोरा कागज पटेल चला गया हो तो एक बोलना और बैठा हो तो दो बोलना। दो? ओ यार उसे 9-2-11 कर, मैं कब तक अंदर बैठा रहूंगा जी। हाँ आप कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? जब तक भाटिया नहीं आ जाता तब तक। तुमने बुलाया और हम चले आए, ना आवाज दी ना खटखटाए। वाह हुजूर शुक्ला जी, आप तो ईद का चांद बन गए हैं आजकल। क्या करें पटेल, तुमसे मिलने को मन मचलता है पर पेमेंट ना मिले तो चांद भी कम निकलता है। वाह वाह वाह, आपको तो म्यूजिक डायरेक्टर छोड़ के लिरिसिस्ट बन जाना चाहिए। तो पांडे भाटिया कहाँ है? घर में फोन किया और बताया यहाँ है। नहीं यहाँ नहीं आए। तो कौन सी गली में मुंह काला कर रहा है पटा दो। इस गीतकार संगीतकार का पेमेंट कब देगा बता दो। नेक्स्ट वीक आ जाइए। क्या? हेलो ओ पांडे जी, एक के दो चार चार, मतलब वो कटी पतंग शुक्ला भी आ गया जी। यार मैंने आज ऑफिस में गृह प्रवेश किया ही क्यों? क्या भाई? ओ पांडे जी, ये फोन पे दो चार क्या कर रहे थे? सट्टा खेल रहे थे क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? यहाँ जहर खाने को पैसे नहीं, आप सट्टे की बात कर रहे हैं? तो क्या कर क्या रहे थे? क्या मतलब आपका? मतलब ना पूछो, कान के नीचे बजा दूंगा डाजर ठुमरी रैप डिस्को सब यही सुना दूंगा। देखिए शुक्ला जी, तमीज से बात करिए। आपको पैसा भाटिया साहब से लेना है, मुझसे नहीं। हाँ तो तू झूठ क्यों बोल रहा है? सच बोलने में तेरी जबान लड़खड़ाती है क्या? देख आज के बाद तू जो कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा, समझा? सीधा सीधा बता दे भाटिया कहाँ है, वरना छड़ी का दूध भाग दिला दूंगा तुझे। मुझे नहीं पता। ए दिमाग घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, नीचे गली में शमशान है ये याद रहे। तो क्या जान से मार डालेंगे? सीधा सीधा बता दे वरना हम कुछ भी कर सकते हैं, समझा? बस मैं मोबाइल नंबर, अरे करा क्या डायल नंबर? ओ पांडे 2-4 भाटिया बोल रहा है। ओ बेटा ये तो शुक्ला ने उठा लिया। हेलो भट, काट दिया। कहाँ से बोल रहा था भाटिया? इस बंबू को पता होगा कि तंबू कहाँ है, बताए शंकर तंबू कहाँ है? देखिए मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मुझे खुद पैसे लेने उनसे, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, मुझे नहीं मालूम कि वो अंदर बैठे हैं। ये क्या बोल रही है? क्यों बे भाटिया, कायर तक का कफन ओढ़कर कहाँ छुप रहा है तू? सामने आ।
वरना कसम उस माँ की जिसका तूने दूध पिया है, तेरी ईंट से ईंट ना बजा दी तो मेरा नाम पटेल बेचैन है। पटेल भाई हो तो ऐसा, ओए जय माता की। ओए कहाँ है तू मेरे दोस्त? मेरे महबूब, मुझे तेरी मोहब्बत की कसम, मुझको मेरी पेमेंट का लिफाफा दे दे। तुम झूठी शहनाई, संगीत सम्राट तानसेन। ओ दोस्ती के नाम पे बदनुमा दाग, इससे पहले कि हम घायल अजगर की तरफ पुकारे, हमारा पेमेंट दे दे। छोटी सी बात, कैसी छोटी सी बात कर रहा है ये बैजू बावरा। ओए मैंने जिंदगी में कभी ऐसा गेम नहीं खेला। लास्ट टाइम जब पिक्चर रिलीज हुई थी तो मैंने पेमेंट नहीं की थी। हाँ तो वो तो 10 साल पहले की बात है ना, लेकिन उसके बाद तुम्हारे लिए 10 फिल्में लिख चुका हूँ, एक का भी पैसा नहीं मिला मुझे। ओए ऐसी फिल्में लिखते हो जो बिकती नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा हाथी मेरे साथी? क्या अरे पैसा नहीं दे सकता तो फिल्में बनाता क्यों है? कला के लिए। कला? अच्छा तो ये सारा किसी लड़के के चक्कर में हो रहा है, कौन है कौन ये कला? हमारे यहाँ काम करने वाली बाई। ओए गुलाम वो कला नहीं, कला मतलब आर्ट। लगता कला आई है पेमेंट लेने के लिए। देखो भाटिया, माल के दिया पंता। क्या रे, तेरे को बोला था ना आज ही देने का, चल निकाल पूरा 25 पेटी। रामगढ़ के वासी हो? है भाटिया, देता या? ओ सत्या, ओ ए जानवर ना बन पुत्र, ओ मेरी आवाज सुनो, वास्तव में मेरे पास माल नहीं है यार। है मुन्ना, टपकाड़ा साले को। टपका कैसे, तुम्हें क्या मिलेगा? 25 पेटी तो छोड़ो, 25 पैसे नहीं मिलेगा, इसीलिए मेरी मानो, थोड़ा इसे जीने दो, खुद भी उम्मीद के आंसू पियो और हम दोनों को भी पीने दो। बाबा बाबा, वो सत्या ये म्यूजिक डायरेक्टर क्या शेर बोला, मेरा तो साला दिल पिघलने लगा। हाँ बोल, कब देगा माल? 20 साल बाद। क्या बोला? मेरा मतलब है कि ओ मेरे को 20 दिन की मोहलत दे दो यार। दिया, 20 दिन बाद आएगा, अगर पैसा नहीं मिला ना तो तू तो गया। और सुन, तू उस दिन मत आना, साला सारा माइंड चेंज कर दे। चल सत्या। हे ईश्वर, अब मेरा क्या होगा, क्या करूं? हौसला बुलंद रखो भाटिया साहब, वो दिन दूर नहीं जब ऊपर वाला तुम्हारी दुआएं सुन लेगा, तुम्हारी दुआएं दीवारों से टकरा के लौट नहीं आएगी भाटिया साहब। राम जाने वो चमत्कार कब होगा। ओए कोई मांगने वाले का ही फोन होगा, कह दे मैं प्रदेश में हूँ। हेलो, भाटिया फिल्म प्रोडक्शन इंटरनेशनल जी, ये भाटिया साहब हैं? ना। कहाँ मिलेंगे आप? कौन? ये मैं मुसद्दीलाल तोलानी बोल रहा हूँ, दिल्ली से आया हूँ, उनका दोस्त हूँ। मुसद्दीलाल तोलानी दिल्ली से? क्या दे, देखता हूँ देखता हूँ। हाँ होल्ड कीजिए एक मिनट, देखता हूँ। हेलो भाटियर। हाँ भाटिया साहब, मैं मुसद्दीलाल तोलानी। कौन? अरे भाई आप कहाँ याद रखते हैं छोटे लोगों को, भूल गए आप? नहीं नहीं, मतलब ये है कि आप ये बताओ कि आपकी चाहत क्या है। जी मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। अच्छा देखो जी, मैं तो अभी इस वक्त मीटिंग में हूँ, आप एक काम करो 36 घंटे बाद मेरे ऑफिस में आ जाओ। 36 घंटे का नहीं था उस पिक्चर में। ठीक है सर, मैं आ जाता हूँ। ओके। ओ पटेल, ओ शुक्ला, ओ पांडे, लगता है मेरे दिल से निकली पुकार भगवान ने सुन ली। ओ कह दू तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोल तो जानू, गुरु तुमको मानू, कहो ये विवाद है। बंद करो ये नाच गाना, साफ साफ बताओ राज क्या है। अरे बहुत बढ़िया शिकार फंसा है, और जब मैं न्यू दिल्ली में शूटिंग करने गया था ना, तो वहाँ ये मुसद्दीलाल तोलानी जवानी दीवानी मेरे को मिला था, और बड़ा रईस आदमी है, 3-3 पेट्रोल पंप है इसके, एक्टिंग का थोड़ा कीड़ा है, मैंने एक छोटा सा रोल दे दिया था, अब मस्त होके बंबे आ गया है। सर ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। हाँ यही हमारी डूबती नहीं है, पार लगाएगा ये हम सब के जख्म भरेगा भाटिया, तेरे पेमेंट यही क्लियर करेगा। बस हंटूश पे रंग जमाना है कि हम रंग बाज है। पांडे मोर्चा संभालो। नमस्ते, डिस्ट्रीब्यूटर हो के? जी नहीं, मैं मुसद्दीलाल तोलानी हूँ। मेरा फिल्म खेल रहे हो के? तेरा रील कंप्लीट है, ट्रायल रखो। मैं भाटिया साहब से मिलने के लिए आया। एक्टर बनने आए हो? जी हाँ। क्या ये? मेरा नाम मुसद्दीलाल तोलानी है। क्या काम है? मैं भाटिया साहब से मिलने के लिए आया हूँ, उनका दोस्त। हेलो। हाँ सर, कोई मुसद्दीलाल तोलानी आए आपसे मिलने। आ गया है पांडे जी, बैठाओ उस कागज के फूल को और कुछ पानी वानी पिलाओ। बैठिए। पांडे साहब, ये एक पेट्रोल पंप कितने में बिकता है? एक मिनट, मीटिंग चल रही होगी? नहीं, गाने की सेटिंग चल रही है।
हाँ सेटिंग मतलब। हेलो, भेज दो उस दिल्ली के ठग को। ठीक है सर। जाइए अंदर बुलाया जी। ओए मेरे राम बलराम, तीन तीन पेट्रोल पंप अपने आप चल के आ रहे हैं, ऐसी फिजा बनाओ कि बस हम माला माल हो जाएं। चिंता की चिता जला दो भाटिया साहब, वो आएगा तीन पेट्रोल पंप लेके, लेकिन जाएगा एक हैंड पंप लेके। मन्नाड़े को भूल जाओ, बन जाओ माइकल जैक्सन। देख क्या रहे हो, भाट क्या बोलो एक्शन। एक्शन है। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, घर में मेंबर है आठ और चार पाई है, चार पाई। मेंबर आठ और एक चार पाई। वाह वाह बेमिसाल, लाजवाब। वाह 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 साहब, क्या बात है, क्या बात है साहब आपकी, क्या बढ़िया साहब बचाना। कमाल है, पहचाना नहीं बढ़िया साहब। एक मिनट, आपका नाम मुसद्दीलाल तोलानी है ना? By God, क्या याददाश्त है सर जी आपकी, कमाल है। आओ जी मुसद्दीलाल जी, बैठो जी, जरा साइड में। आइए 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 आइए, इनसे मिलिए। ये है बहुत ही मशहूर मजदूर मजबूर राइटर मिस्टर पटेल बेचैन। और ये है शुक्ला सरगम जी, गीतकार संगीतकार गायक श्रोता। इन दोनों को क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर आप? इन दोनों को तो इंडिया में सब लोग जानते हैं, मतलब ये तो इंडिया में वर्ल्ड फेमस है ना। आपका वो डायलॉग मैं कभी नहीं भूल सकता सर। कौन सा जो आपने उस फिल्म में लिखा था, बताऊं क्या था सर? प्लीज बताइए। लिखा था, कायरता के कफन की ढाल को ओढ़ के छुपने वाले भेड़िए, कसम है अगर तूने माँ का दूध पिया है तो। वाह वाह वाह, क्या लिखा था आपने सर जी? और आपका वो गाना, ओ दीवानी तू मेरी हो गई, पापा घर पे नहीं है, मम्मी सो गई, मम्मी सो। वाह जी वाह, क्या बात है सर जी, क्या बात। अरे इस तारीफ का किस मुंह से धन्यवाद दूं, आप भी क्या याद रखेंगे, एक लेटेस्ट सॉन्ग सुना दूं। वो गाना नहीं है शुक्ला। शुक्ला जी, शुक्ला जी पेइंग गेस्ट आए हैं, उनको पहले चाय वाय पिलाओ। हाँ जी बोलिए जी, क्या लोगे, चाय या ठंडा या दोनों में से कुछ? नहीं चाय तो मंगा लीजिए, और साथ में कुछ खाने के लिए भी लूंगा। अच्छा ठीक है जी। पांडे जी, पांडे जी, अरे भाई कुछ दाना पानी लेके आओ। हाँ तो मुसद्दीलाल जी, आप ये बताइए कि अपना कारोबार कैसा चल रहा है? अरे धंधा तो बड़ा मंदा चल रहा है सर जी। है क्या है कि पेट्रोल के भाव बहुत बढ़ गए हैं, तो लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया, तो हमने भी सोचा ठीक है हम इतने में एक फिल्म ही बना लेते हैं। वैसे एक पेट्रोल पंप कितने में बिकता है? कुछ नहीं पटेल। हेलो ब्रदर, चाय वाला चाय देने से मना कर रहा, कहता है कि पहले पुराना चुकाओ तब दूंगा चाय। जुड़वा, अरे नहीं भाई हम साथ साथ हैं, आपके बिना कैसे बना सकते हैं जानम, समझा करो। आप तो ये बताओ कि बीवी नंबर वन कैसी है? बीवी नंबर वन? अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई अब तक। हेलो भाटिया साहब, अबे साथ थोड़ी जागृति तो लानी पड़ेगी ना, वरना वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। पागल हो गए लगता है। अरे अरे लव में कुछ कुछ होता है, लेकिन जीत के चक्कर में आप कुर्बान मत हो जाना। किससे बात कर रहे हैं? अपना जुड़वा। हेलो ब्रदर, सलमान खान से। बिल्कुल सही पहचाना, एकदम सही जाना, सलमान खान से बात कर रहा हूं। ओके बाय, हां सी यू लव, मिलते हैं फिर। हां ठीक है। सर जी आप सलमान खान से बात कर रहे थे? हाँ वो मेरी अगली पिक्चर के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना, लेकिन मेरी फिल्म में वो सूट नहीं करता है, थोड़े मैच्योर आदमी का रोल है। ना फिल्म का नाम क्या है? बीवी तुम्हारी बच्चे हमारे। अच्छा अच्छा, फैमिली ड्रामा होगा ना, साथ में थोड़ा वो सस्पेंस भी डाल दिया है मैंने। फिल्म में इतने ठसके हैं कि इन तक पता नहीं चलता बच्चे किसके हैं। भाटिया साहब, आपकी फिल्म में तो कुछ नहीं हो सकता सर जी। पटेल, वो तुम पूछ रहे थे ना कि मेरी फिल्म में हीरो की लुक कैसी होनी चाहिए। हाँ। ये इनको देखो। नहीं मुसद्दीलाल जी, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली सेम लुक चाहिए। और अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मैंने इनको ही देख के कथा लिखी थी। अच्छा अच्छा, आपने बताया था मुझे। अरे अगर ये एक्टर होते तो इन्हीं को ले लेते ना। अफसोस, एनीवे खैर होता है। हाँ तो मुसद्दीलाल जी, आप ये बताइए कि आपका बंबई आना कैसे हुआ? बस सर जी, अब ये सोच लिया कि एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं, तो आपने कहा था कि आप मेरी पिक्चर डायरेक्ट करेंगे, तो एक पेट्रोल पंप बेचा मैंने और आ गया आपके पास। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन
शराफत से मैं 2 साल तो बड़ा बिजी हूँ। कैसी बात कर रहे हैं सर जी, आप मेरी फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे? नहीं नहीं मैं कर देता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बड़ा मजबूर हूँ। सर जी मैं तो आपके भरोसे आया हूँ यहाँ पे। अरे भाई भाटिया साहब ये क्या कर रहे हैं, घर आया मेहमान तो भगवान का रूप होता है और क्लाइंट का रूप होता है, अगर इनका आंसू टेबल पे गिरा तो टेबल पे जलजला आ जाएगा भाटिया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ। अरे इन्हें एज ए हीरो इंट्रोड्यूस होने दो, तुम डायरेक्ट करो, इन्हें फिल्म प्रोड्यूस करने दो। वाह क्या क्या आईडिया है शुक्ला जी। नहीं मुझे सर जी कोई एतराज नहीं है। नहीं नहीं राजा जानी, ये जाबाज इतना पैसा लगा नहीं पाएगा। अरे भाटिया भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं पैसे को कमी थोड़ा ही है, 3-3 पेट्रोल पंप है मेरे पास, आप बताइए करना क्या है। ओ, पहले तो हम तीनों को साइन करना पड़ेगा, मतलब साइनिंग अमाउंट देना पड़ेगा। कितने? एक एक पेट्रोल पंप। चुप है। देखो जी मेरे ख्याल से क्या 5-5 लाख तो देना ही पड़ेगा। 5-5 लाख दिए। हाय पंडित जी। हाँ कैसी है आप? बस ठीक हूँ। सुना है भाटिया कोई पेट्रोल पंप लाए? हाँ आपको बुलाया, बुलाया अंदर। हाँ वो किसी हीरो की ड्रेस डिजाइन करनी है जी। आप है वो 3 पेट्रोल पंप? मेरा मतलब है 3 पेट्रोल पंप के मालिक। अब तो 2 ही बचे हैं। कोई बात नहीं वो भी बिक जाएंगे जी? जी नहीं मेजरमेंट लेना है ना, अंदर चले। 2 और 2 5 और 1 और 1 11 और हो गया ये 10। आए बस 10 और 10 लाख, और ये तो बड़े सस्ते में फिल्म बना लेगा होए। और नहीं भाई नहीं भाटिया, इस मुकद्दर के सिकंदर की तकदीर चेंज करनी पड़ेगी, वरना अपना टाइटैनिक तो बनने से पहले ही डूब जाएगा। भाटिया साहब। ओ पांडे जी आओ आओ, क्या पैगाम है भाई? स्क्रीन टेस्ट के लिए अखबार में इश्तेहार दे दिया, पढ़ के सुनाऊं? ओए अनपढ़ मतलब पढ़। भाटिया फिल्म इंटरनेशनल के अंतर्गत बनने वाली फैमिली फिल्म बीबी तुम्हारी बच्चे हमारे के लिए बच्चों की माँ की तलाश जारी, अपना भाग्य आजमाएं, शायद आप ही माँ बन जाएं। स्क्रीन टेस्ट फीस 5,000 रुपए के मनी ऑर्डर के साथ ऑर्डर करें, हमारा पता है। ओए पांडे मेरे कमांडो, देख जो आता है उसको आन दो, लेकिन घर जमाई मसद्दी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये पैसा हम अपनी प्रोडक्शन में डाल रहे हैं। चिंता मत करिए सर, उसे तो ये भी पता नहीं चलेगा कि जिस कैमरे से हम टेस्ट ले रहे हैं उसमें रीली नहीं डाल रहे हैं। ओए जियो मेरे लाल, बस स्क्रीन और टेस्ट दोनों सुंदर होने चाहिए। वाह वाह पटेल साहब वाह, क्या डायलॉग लिखे आपने स्क्रीन टेस्ट के लिए, मतलब क्या बात है। थैंक यू हुजूर, थैंक यू। आप देखते रहिए, ऐसा स्क्रीन टेस्ट होगा कि आप फिल्म भूल जाएंगे। फिल्म भूल जाऊंगा मतलब फिल्म बनेगी तो सही ना? भूल जाएंगे मतलब झेल नहीं पाएंगे, ऐसा स्क्रीन टेस्ट होगा जानिए कि सिर्फ स्क्रीन टेस्ट ही बनाएंगे। ओए डिस्को डांसर शुक्ला तू चोरी चोरी हाँ? हमने सुना है स्क्रीन टेस्ट बना रहे हो, अपनों को भूल गए, मलाई अकेले अकेले खा रहे हो। ओए बेवफा सनम खुदा कसम तू नहीं सुधरेगा। ओए अर्जुन पंडित पांडे। ओहो लड़के में ही और लड़की में शी लगाओ, पांडे को पांडे नहीं पांडे जी बुलाओ। जी ओ अहंकार की औलाद पांडे जी। यस सर। अरे भाई कहाँ है वो पाकिजाएं, वो नूर जहाँ, वो लाल परियां कहाँ है? देखिए भाई स्क्रीन टेस्ट के लिए मेरे तो सारे डायलॉग तैयार है। दरवाजे पे है कोई भाई? जरा दरवाजा खोलो। ओए रुको एक मिनट। हाँ ठीक है अब खोल। एक्सक्यूज मी सर, हमें मिस्टर भाटिया से मिलना था। क्यों आखिर क्यों? जी हम एक्टर हैं, आपकी जो नई पिक्चर बन रही है उसमें काम करना चाहते हैं। वो दयावान है भाटिया प्रोड्यूसर, उनसे जाके मिलो, जाओ। आओ बैठो बैठो, यहाँ बैठो बैठो बैठो, सोफे बैठ जाओ, उसमें है क्या, बैठो। ओ यार गद्दार अब कौन आ गया, लगता है ऑफिस झील के उस पार शिफ्ट करना पड़ेगा, देख तो सही। कौन कहता है कि ऑफिस झील के उस पार शिफ्ट करना पड़ेगा, किसने बोला? आओ जी आओ, हम तो आपकी खातर भीगी पलके बिछाए और इंतजार के लम्हे काट रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या दिल फरेब हुस्न पाया है, जवानी का नशा याद आ गया भाई। ये बेस्ट है इसे ले लो, और इसके लेने के पहले स्क्रीन टेस्ट भी ले लो। जी हम यहाँ स्क्रीन टेस्ट ही देने आए हैं। ओ व्हाई नॉट जी, हम तो तैयार हैं एकदम। आप भाटिया? जी नहीं जी नहीं, मैं भाटिया हूँ। ओए पेंटर बाबू तू लड़कों का भाटिया, ओए लड़कियों का भाटिया मैं हूँ। आओ जी आओ, चलो 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 चलो, हम सब भाटिया हैं। आओ जी आओ जी आओ, आ जाओ आ जाओ, इसका स्क्रीन मैं लूंगा। चुप करो। लड़कियों का भाटिया ये है और लड़कों का भाटिया मैम भाटिया है।